सक्सेस किसी को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो मेहनत करता है, इसलिए मिलती है क्योंकि वो सही टाइम पर सही मेहनत कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 की पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो कि सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और बोलता है सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, वो ताकत, वो जुनून, वो जज्बा नहीं दिख रहा है, तो बस उसको मैं बोलता हूँ बेटा 2 दिन रुक जा, एग्जाम को यहाँ नहीं, एग्जाम को यहाँ आ जाने दे। एकदम जब सर के ऊपर आ जाएगा ना तो वही जुनून, वही जज्बा, वही तेरे अंदर से ही निकलेगा। एक टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, ज्यादा ज्यादा अगर आप गिर गए तो आपका हाथ पकड़ कर आपको उठा भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको गोद पर उठाकर आपको मंजिल पर पहुंचा देगा। मेहनत आपको ही करनी है, आपको ही करनी पड़ेगी। अंदर जो आग है ना उसको और थोड़ा जलाओ, उसको और थोड़ा भड़काओ ताकि वो इतना तेज जले कि आपको सक्सेस के रास्ते पर पहुंचा दे। भूल जाओ वो सब कुछ जो कि अभी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि क्या होगा अगर 8 घंटे की जो नींद है वो नहीं अगर पूरी हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर आपको जो खाना मिल रहा है वो टाइम पर ना मिले, टाइम पर ना खाओ तो भी क्या हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पर जो आपने पेन है अगर वो उठा लिया तो आपको बदले में गेन ही गेन मिलने वाला है। सक्सेस अगर इतनी आसानी से ही मिलनी होती तो सबको नहीं मिल गई होती, तो सोचो आप क्या कर रहे हो, क्या अलग कर रहे हो, यही डिफ्रेंशिएट करता है एक सक्सेसफुल और एक फेलियर इंसान में। और रही बात अगर हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क की, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं क्यों हार्ड वर्क करूं, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं स्मार्ट वर्क करके जीत जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है वो स्मार्ट वर्क भी नहीं कर सकता है। ये क्यों पूछेगा क्यों, अगर मैं बताऊं मेरा घर यहां पर है ठीक है, और मुझको यहां अपने यहां पर प्लेग्राउंड में जाना है, यहां पर अगर जाने का मुझको ये रास्ता मालूम है ठीक है, ये लंबा रास्ता है ठीक है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा ये लंबा रास्ता है, अगर मुझको एक शॉर्टकट रास्ता मालूम हो ठीक है, एक शॉर्टकट रास्ता मुझे मालूम हो और यहां पर जाने का, और मैं अपने फ्रेंड को बोलूं कि चल यार मेरे घर चल, मेरे पास शॉर्टकट रास्ता है, और जिंदगी भर मैं उसको इसी शॉर्टकट रास्ते से लेके जाऊं और आऊं, तो क्या बोलेगा, यार तेरा घर कौन सा शॉर्टकट रास्ते से ले जाता है तू, तब भी तो मुझको इतना चलना पड़ता है। तो उसको अंतर कहां समझ में आया, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर कहां समझ में आया, अगर उसको 2 बार यहां से ले जाओ ठीक है, उसके बाद यहां से ले जाओ, तब वो बोलेगा कि अरे यार पहले बताया होता इस रास्ते से लेके जाना है, कितना आसान था, कितना शॉर्टकट था। तो याद रखिएगा स्मार्ट वर्क तभी काम करेगा जब आपने हार्ड वर्क किया हो। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि कोई स्टूडेंट पूरे साल मेहनत कर रहा है ठीक है, और आप ये सोचिए कि मैं लास्ट में एकदम स्मार्ट वर्क करूंगा और उस स्टूडेंट से ज्यादा नंबर ले आऊंगा, तो थ्योरेटिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ तुक्काबाजी कभी कभी लग जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वो हीरो बन जाता है, सोचता है कि अरे देखा मैंने 2 दिन पढ़ा और तेरे से ज्यादा नंबर ले आए, तो हमेशा ये लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और ये सारा खेल जो है ना ये माइंड का ही है, माइंड सेट अगर आपने बना लिया, अगर आपने अपने दिमाग को ये कह दिया कि मेरा एग्जाम बेटा कल है, तो वो कल के लिए ही प्रिपेयर करेगा। अगर उसको आपने बता दिया कि अच्छा एक हफ्ते बाद है, 10 दिन बाद है, अभी 5 दिन का गैप है, तो बस आपका दिमाग उसी समय से सोचेगा अच्छा बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। दिमाग ऐसी चीज है ना, अगर उसको आप कराना चाहें जितना मेहनत उतना करा सकते हैं, और अगर जितना लेजी बनाना चाहें उससे भी ज्यादा वो लेजी बन सकता है। तो बस माइंड सेट का खेल है, अगर आपने माइंड को बना लिया कि मुझे आज ही मेहनत करनी है, आज ही कंप्लीट करना है, तो वो आज ही कराएगा। तो अपने माइंड सेट को कैसे चेंज करना है, कैसे दिमाग से काम लेना है, तो सक्सेस के वो 5 की मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट वाला जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सारे की पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है नो टाइम टेबल बट टाइम। ये जो टाइम टेबल है आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसको फॉलो करने की ठीक है, अभी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं फॉलो करना, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूं जो स्टार्टिंग से ही रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि अभी आप छोड़ दीजिए टाइम टेबल को फॉलो करना, लेकिन मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो अभी स्टार्ट करेंगे, टाइम टेबल लिखेंगे अपना, चिपकाएंगे उसको दीवार पर, उसमें टाइम वेस्ट हुआ। दूसरा उसके बाद उसको फॉलो करने में अपना बार बार घड़ी देखेंगे, अच्छा अभी अगर पढ़ने का मन भी है तो बोलेंगे अच्छा ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूं, पढ़ने के लिए बाद में बैठूंगा, तो ये टाइम टेबल बहुत ही गलत हो जाएगा। जो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है वो फॉलो कर रहा होगा, लेकिन आज जो फॉलो करना शुरू करेगा वो बिल्कुल भी ना करे ठीक है।
ये उन बच्चों के लिए है, लेकिन उनको टाइम पता होना चाहिए कि हम दिन में कितना घंटा बैठ सकते हैं, 8 घंटे बैठ सकते हैं, 10 घंटे बैठ सकते हैं या 12 घंटे बैठ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दिन में कितना पोटेंशियल है बैठ के पढ़ने का, वो पता होना चाहिए, ठीक है। 8 घंटे ही हैं तो 8 घंटे डेली लगातार पढ़ना है, ठीक है। और अभी तो एग्जाम है यार, अभी तो 10 घंटा या 12 घंटा को अप्रोच करो ना, मैं तो कहता हूँ और जितना मैक्सिमम हो सके वहाँ तक ले जाओ अपने लिमिट को। क्यों? क्योंकि आपको अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम है, तो इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जाओ, ठीक है। एक बार जब आपने सेट कर लिया कि हाँ 10 घंटे या 12 घंटे मुझे पढ़ने एक दिन में, तो उसको बस याद रखना, उसको कम मत होने देना। ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैनेज करना उसको कि हाँ 10 घंटे लिए तो 10 घंटे डेली, 12 घंटे लिए तो 12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकेंड चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस टाइम में करोगे क्या, तो बनाना है आपको टू डू लिस्ट। कौन सा टू डू लिस्ट? कि आपको जो गैप मिला है एग्जाम के बीच में, जो गैप मिलता है, उस गैप को कैसे मैनेज करना है ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो टू डू लिस्ट आपको पर डे के हिसाब से बनाना है, और पर डे जो आपने असाइन किया अपने लिए घंटा, 10 घंटा, उस 10 घंटे में क्या क्या चीज है वो सारे चीज फॉलो करते हुए आपको कंप्लीट करते जाना है। डे 1 में इतना कंप्लीट करना था, मैंने कर लिया। डे 2 में इतना कंप्लीट करना था, मैंने कर लिया। डे 3 में इतना करना था, कर लिया। अब एग्जाम आ गया, तो अब एग्जाम देने के लिए मेरे पास सारा का सारा हो चुका है, अब रिवाइज करने का भी टाइम है। तो ये चीज हो जाता है आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि YouTube पे वीडियो देखा और उसको देखते रहे, उसको लिखना है कॉपी पे, हार्ड कॉपी पे खुद से लिखना है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन भी देखिए, बट खुद से प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, खुद से देखिए कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तब सोल्यूशन देखिए। और लेकिन एक रिटन हार्ड कॉपी पे आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में रिटन प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी आप जल्दी से लिख नहीं पाएंगे, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा। और चौथा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ है आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी है अभी डिस्ट्रैक्ट करता है, सोना बाबू, सब कुछ अभी बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए और बोलिए कि एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद चिल मारेंगे, सब कुछ होगा। अभी ये सब बिल्कुल भी नहीं, फेसबुक पे पोस्ट डाल देना, ये देखना, दूसरे के स्टोरीज देखना, ये सबसे क्या मिल जाने वाला है? अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कीजिए, लेकिन उसमें शॉर्ट्स मत देखने लग जाइए, ठीक है। अभी जो काम की चीज़ें हैं, काम की बातें देखने के बाद काम बन लग जाइए। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और खासकर पढ़ने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर लगता है आपको कि थोड़ा देर पढ़ चुके हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, 5-10 मिनट का गैप, तब आप एज अ रिवार्ड इसको यूज कर सकते हैं। एज अ रिवार्ड आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट जरूरत लगे तभी, नहीं कोशिश करिए तो पूरा अवॉइड करने का, ठीक है। यही आपका पांचवा पॉइंट जो बता रहा हूं, ये 15 मिनट का पावर ऑफ 15 मिनट, आप अगर इस चीज को फॉलो करेंगे ना, तो देख लीजिएगा आपको आराम से हो जाए। क्योंकि सब चीज ये फॉलो करने के लिए, सब कुछ फॉलो करने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि आप पहले से सोच लेते हैं कि हाँ आज इतना चीज कंप्लीट कर देंगे, इसके लिए मुझे 2 घंटे बैठ के लगातार बैठना पड़ेगा। तो आपका दिमाग क्या बोलेगा मालूम आपको, कि अरे यार 2 घंटे बैठना है ना, तो ठीक है थोड़ा सा इधर घूम ले, थोड़ा सा वो कर ले, थोड़ा सा ये कर ले। यही करते 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 आपका क्या होता है कि आपका टाइम निकल जाता है, और टाइम एक बार निकल गया तो फिर वही टाइम आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो एक चीज आप दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि जैसे ही लगेगा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाला काम हो रहा है, ठीक है, लग रहा है आपको खाना पीना तो खा चुके हैं, अब कुछ करना नहीं है, थोड़ा नींद आ रहा है, झपकी मारने का मन कर रहा है, उसी समय सोचिए कि 15 मिनट लूंगा, अभी जस्ट 15 मिनट लूंगा, और क्या करूंगा, 15 मिनट में ही एक सवाल या 2 सवाल होगा तो मैं उस टॉपिक का अभी के अभी कंप्लीट कर दूंगा, और बस 15 मिनट। दिमाग को यही बोलना है, दिमाग का खेल है सब कुछ, दिमाग को यही बोलना है कि भाई बस 15 मिनट ही बैठना है, बस 15 मिनट ही बैठना है। दिमाग को एकदम यही बता के बैठाना है, चुपचाप, बुद्धू है एकदम, दिमाग बुद्धू होता है, उसको अगर आप बोलोगे 15 मिनट बैठना है तो वो बैठ जाएगा चुपचाप। उसको बोलोगे 2 घंटा बैठना है तो बोलेगा, आनाकानी करेगा, बोलेगा नहीं भाई अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। तो 15 मिनट बैठना है
और उसके बाद बैठ के दो सवाल ही करने, दो सवाल जैसे कर लोगे ना उसके बाद आपको लगेगा अरे 15 मिनट में मैंने दो सवाल कर लिए, वाह थोड़ा देर और बैठ जाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो 15 से 30 चले गए, 30 से 45 हो गया, 1 घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दिमाग को अगर पहले से बोल के रखोगे भाई 1 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ना है तो वो नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक आप यूज करके देखिएगा, जैसे ही दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ और करने का मन कर रहा है, उस समय सिर्फ और सिर्फ कुछ भी हो, भूकंप आ जाए, किसी की मम्मी भाग जाए, किसी के पापा भाग जाए, कोई मतलब नहीं है। आपको बस क्या करना है, 15 मिनट लेना है घड़ी देख के, कि बोलना है अपने दिमाग को कि भाई मैं 15 मिनट ही बैठूंगा और 15 मिनट में 2 या 3 जितने हो सकेंगे मैं सवाल पढ़ लूंगा या टॉपिक को रिवाइज कर लूंगा। बस ये चीज आप करके देखिएगा, आप 15 मिनट से अपने आप ज्यादा प्रोग्रेस करते करते 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये लास्ट वाला जो टिप है इसको जरूर यूज करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना हो नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करना हो चैनल को मत कीजिए, लेकिन ये जो 5 टिप बताए मैंने, इनमें से अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो अभी से आपके रिजल्ट अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स के लिए मैंने यहां पर प्लेलिस्ट बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर, पूरा का पूरा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो उसको फॉलो कर सकते हैं।